एवरीवन, मैं हूँ शिखा भारद्वाज। अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे भिंडी महारानी। जी हाँ, मैंने इस सब्जी को भिंडी महारानी नाम दिया है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो भिंडी ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और इसे हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं भिंडी महारानी। तो आइए देख लेते हैं इस शाही टेस्टी भिंडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर ले ली है 1/2 kg भिंडी और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लिया था और फिर मैंने इसे कट किया है। तो मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, इस तरह से एक भिंडी के बस दो दो पार्ट कर लिए हैं मैंने। और ये जरूरी है कि बहुत ताजी हो भिंडी, सॉफ्ट वाली भिंडी हो। इसे बस इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लेंगे हम। और साथ में मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के आलू लिए थे, इन्हें मैंने बॉईल करके और इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। तो 1/2 kg भिंडी के साथ हमने यहाँ पे लिए हैं 3 से 4 लाल टमाटर हैं, ये मीडियम साइज के टमाटर हैं। और साथ में लेंगे हम 7 से 8 काजू, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है इसको यहाँ पर। और 2 लेंगे दालचीनी के टुकड़े हम, यानी कि सिनेमन स्टिक है, ये 2 टुकड़े लेंगे हम। और कम से कम 5 से 6 हम लेंगे छोटी वाली इलायची जो होती है ग्रीन कार्डमम, छोटी वाली ये हम लेंगे 5 से 6। बस ये 2 ही मसाले चाहिए इसमें, दालचीनी के टुकड़े और छोटी इलायची। और हम लेंगे 3 साबुत लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम लेंगे देसी घी। ये अब देख लेते हैं ड्राई मसाले। 1 टीस्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर, जीरा लेंगे, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, कसूरी मेथी भी हम लेंगे 1 टीस्पून ड्राई कसूरी मेथी, और पिंच ऑफ हींग लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम किया है, यानी कि 2 बड़ी चम्मच ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं अपनी भिंडी। अपनी भिंडी को 5 मिनट तक ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। और देखिए, हमने बहुत ऑयल नहीं डाला है इसमें, बस 2 टेबल स्पून ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। और चलाते रहेंगे बीच में इस तरह से। तो जब तक हमारी भिंडी फ्राई हो रही है, हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम अपने टमाटर पीस लेते हैं। मैं टमाटर मैंने कट कर लिए हैं रफली और मैं इसको ऐड कर देती हूँ मिक्सी के अंदर। और इसी में हम ऐड कर देंगे अपने अदरक के पीसेस जो थे हमारे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था हमारा, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी के टुकड़े, 2 थे हमारे पास सिनेमन स्टिक के, 1 स्टिक हम इसमें ऐड कर देंगे। तोड़ देती हूँ इसको इस तरह से। और इलायची, छोटी इलायची भी हमने 3 रख ली हैं और 3 हम ऐड कर रहे हैं टमाटरों के साथ। पीस देंगे इन्हें, ये पीस जाएंगे साथ में और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी जो ग्रेवी बनेगी उसमें। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने काजू, हम अपने 7 से 8 काजू भी इसी में ऐड कर देंगे और ये भी साथ ही पीस जाएंगे इसके साथ टमाटर के साथ। अब इन सबको हम पीस लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपने 4 टमाटर और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और हमारे 7 से 8 काजू थे, इन सबको हमने पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है इस तरह से। और इसको पीसते समय मैंने इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड किया था क्योंकि हमने जो दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया था इसमें, सिनेमन स्टिक का, और 3 छोटी इलायची भी ऐड की थी हमने ताकि वो आराम से पीस जाए, इसलिए हमने इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है इस तरह से। अब इसे हम रख देंगे साइड पे और अपनी भिंडी चेक कर लेते हैं। तो हमने भिंडी को 5 मिनट तक फ्राई किया था लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसको बीच बीच में हम चलाते रहे हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, देख सकते हैं आप, सॉफ्ट हो गई, इनका कलर भी चेंज हो गया है। मैंने अब निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो लीजिए, हमने भिंडी को फ्राई करके निकाल लिया है और अब इसी ऑयल में हम सब्जी बनाएंगे अपनी। मैं इसमें बिल्कुल भी और ऑयल ऐड नहीं करूंगी, इसी ऑयल में हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जीरा, साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा जो हमने बचाया था, सिनेमन स्टिक का टुकड़ा एक हमने पीस दिया था टमाटर के साथ, और 1 हम डालेंगे अभी, और 3 छोटी इलायची ये हम डाल देते हैं जीरे के साथ। और साथ में हम ऐड करेंगे अपनी 3 साबुत लाल मिर्च और हम ऐड करेंगे
हींग, हींग भी ऐड कर दी। इसे फ्राई कर लेते हैं पहले। तो इसमें हम ज्यादा मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, देखिए साबुत मसाले, बस छोटी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा है, और इसी से इतना अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा सब्जी को। तो हमारे मसाले फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपना टमाटर और काजू का पेस्ट जो हमने बनाया था। और इसे हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी मैंने इसमें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि टमाटर में खट्टापन है काफी, तो मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे ना डालें। देखिए बस इतनी सी, 1/4 से भी कम है, 1/4 टीस्पून होगी, इतनी सी शुगर ऐड कर रहे हैं हम, तो ये टमाटर का जो खट्टापन है उसे बैलेंस कर देगी। अब इसे हम भून लेंगे 5 मिनट तक मसालों के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मसाले बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, बस मेन तो इसमें छोटी इलायची और दालचीनी है, वो बहुत जरूरी है इसमें। हमने एक दालचीनी का टुकड़ा टमाटर के साथ पीसा भी था, छोटी इलायची पीसी थी हमने, तो इससे जो हमारी ग्रेवी है इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एकदम अलग खुशबू आती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस सब्जी को, मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे हम भून लेते हैं 5 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह फ्राई हो गया है, हमने इसे 5 मिनट तक लगातार फ्राई किया है और ऑयल इसे अलग होने लगा है बिल्कुल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूंगी, मिक्स कर दूंगी, क्योंकि हमें इसकी जो ग्रेवी है बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, हमें बहुत थिक नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है हमने। और एक बॉईल आने देंगे इसमें, तो हमारी जो ग्रेवी में बॉईल आने लगा है। अब इसमें हम अपनी भिंडी डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखी हुई है। मिक्स कर देंगे इसे। तो भिंडी को मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने आलू के टुकड़े, और मैं इसमें आलू डाल रही हूँ बॉईल करके, आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, कि मैंने इसमें बहुत ऑयल यूज नहीं किया है अपनी सब्जी में, मैंने बस 2 टेबलस्पून ऑयल में अपनी भिंडी को शैलो फ्राई किया था, और फिर उसी ऑयल में मैंने सब्जी को अपने तड़का भी लगा दिया था, तो बहुत ऑयल नहीं डाला मैंने इसमें। ये आलू रख देंगे इस तरह से हम, थोड़े बड़े पीसेस में ही हैं। अब इनको हम हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट तक इसको हम पकने देते हैं ग्रेवी के साथ। तो हमारी सब्जी 5 मिनट से बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रही थी, और भिंडी आलू इसमें अच्छी तरह ग्रेवी के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से टमाटर, इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए ये टमाटर के बड़े बड़े पीसेस मैं इस तरह से इसमें ऐड करूंगी, ताकि देखने में और भी अच्छी लगे हमारी सब्जी। बस, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूं मैं इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी,
1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी मैं इस तरह हाथ पे रख के, इसको रब करके, हाथ पे रब करके हम ऐड कर देते हैं इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून। और अब फाइनली मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून देसी घी, और ये इसमें बहुत ही जरूरी है। घी भी ऐड कर दिया हमने। अब इसे हम बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो अब हमारी भिंडी महारानी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। एक बोल में निकाल लेते हैं इसे। जी फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी भिंडी महारानी, और ये बहुत ही टेस्टी है। इसमें छोटी इलायची और दालचीनी की बहुत ही अच्छी खुशबू है, और हमने लास्ट में इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया था, तो इसलिए बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, सेहतमंद रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।